फ्रेंड्स, फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट नीच कौन सा है? दोस्तों, जब से ये ऑनलाइन दुनिया आई है, ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया आई है, तब से ऑनलाइन सर्विसिंग की दुनिया भी बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन होती जा रही है और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, नए फील्ड उभर के आए। तो दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट फ्रीलांसिंग कौन सा है, मैं यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। फ्रीलांसिंग अगर आपको करनी है तो दोस्तों, देखिए दो तरह के काम होते हैं, दो तरह की फ्रीलांसिंग होती है, दो तरह के काम होते हैं जो आप कस्टमर्स के साथ करते हो। पहला काम ऐसा होता है जो डायरेक्टली कस्टमर के रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो फ्रीलांसिंग सर्विस आप दे रहे हो। और दूसरी उस टाइप की फ्रीलांसिंग सर्विसेज होती है जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कस्टमर के रेवेन्यू से रिलेटेड होती है, जो काम उनके लिए आप कर रहे हो। तो दोस्तों, जैसे जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उनके रेवेन्यू से, वो होते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, ठीक है, तो अगर आपको गूगल एड्स लगाना आता है, इसके अलावा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है वो भी इसी का पार्ट होता है। तो उसमें जैसे फेसबुक ऐड हो गए, इंस्टाग्राम ऐड हो गए, तो ये चीज़ें कस्टमर के रेवेन्यू से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आप गूगल ऐड लगा रहे हो, इंस्टाग्राम ऐड लगा रहे हो, तो उससे कस्टमर का डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेटेड होगी वो चीज़ें। तो एक तो इस टाइप की सर्विसेज होगी, और दूसरी टाइप की फ्रीलांसिंग सर्विसेज होती है जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कस्टमर के रेवेन्यू से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अगर आप किसी का ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो या वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो वो कस्टमर के डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में उसके रेवेन्यू से जनरेटेड रहता है। इमीडिएट नहीं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती है। तो ये दो टाइप की जो सर्विसेज है दोस्तों, पहली तो डिजिटल मार्केटिंग और दूसरी हो गई वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ये ऑनलाइन बिजनेस की, जहाँ पर बात